आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज हम ऐसे स्थान पर आए हैं जहां आने मात्र से, दर्शन करने मात्र से जो व्यक्ति शराब पीता है उसकी शराब भी छूट जाती है। वो व्यक्ति 3 दिन के बाद शराब को देखता भी नहीं है, उसे ऐसी नफरत हो जाती है शराब से कि उसको सूंघना भी पसंद नहीं करता है। तो ऐसा दिव्य ये मंदिर है। जब आप गोवर्धन से बरसाने की तरफ जाते हैं तो आपको ये सीधे हाथ की तरफ मंदिर दिखाई देगा। मंदिर बहुत ही दिव्य है, हर देवी जी का मंदिर है। यहाँ पर हर देवी जी सती हुई थीं, उन्हीं का ये दिव्य मंदिर है। ये आप देख रहे हैं, ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। तो चलते हैं और आपको सबसे पहले तो माता जी के दर्शन कराते हैं और फिर आपको अवगत कराएंगे कैसे ये माता जी सती हुई और कैसे आज ये माता जी उन माताएं और बहनों की उन मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं जिन माताओं और बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर एक अद्भुत ही ऐसा चमत्कार है, माता जी उन सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, क्योंकि ये कलयुग का एक ऐसा स्थान है जहां पर केसर की बारिश हुई थी। सन 1980 की ये घटना है जब इस घटना में ये देवी सती हो गईं। कैसे कैसे सती हुई यहाँ के महाराज श्री से जानते हैं और ये मंदिर की महिमा के बारे में भी आपको अवगत कराएंगे और वीडियो के अंत में आपको दिखाएंगे कैसे 1980 के अखबारों में यहाँ पर जो चमत्कार हुआ था, यहाँ के ब्रजवासी गणों ने वो चमत्कार देखा, क्या क्या चमत्कार देखे थे। तो ये देवकीदास महाराज हैं, ये देवकीदास महाराज जी का नंबर है। यही बाबा वो दिव्य जड़ी बूटी देते हैं जिस जड़ी बूटी के सेवन करने मात्र से 3 दिन के अंदर वो व्यक्ति शराब छोड़ देता है। तो आज आप इस वीडियो को शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी न करें, क्योंकि किसी का घर उजड़ने से बच जाए, किसी के पास ये अगर वीडियो पहुँच जाता है और वो व्यक्ति यहाँ आके दर्शन करने मात्र से, जड़ी बूटी लेने से उसकी अगर शराब छूट जाती है तो इससे बड़ा पुण्य लाभ और क्या होगा महाराज। तो चलते हैं और इस मंदिर के भव्य दर्शनों को करते हैं और फिर आपको इन्हीं देवकीदास महाराज जी से अवगत कराते हैं। ये देवकीदास जी महाराज इस मंदिर की महिमा को आपको बताएंगे। ये देखें आप, ये सती माता जी का बड़ा ही दिव्य और भव्य मंदिर है और ये चमत्कारिक मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर कलयुग में भगवान श्री कृष्ण जी ने चमत्कार किए हैं। यहीं से भगवान श्री कृष्ण कह गए थे कि परसों आऊँगा, बरसों बीत गए लेकिन अभी तक कोई परसों नहीं हुई है। तो चलते हैं महाराज श्री से बातें करते हैं। देवकीदास जी महाराज मौजूद हैं, इनके श्रीमुख से और पवित्र हृदय से इस हरदेवी मंदिर का क्या इतिहास है और यहाँ पर आज भी उनके सबूत भी हैं। महाराज कैसे कैसे सबूत हैं उन सबको दिखाएंगे। पहले जानते हैं इस मंदिर की महिमा के बारे में और उन अद्भुत चमत्कारों के बारे में जो यहाँ के ब्रजवासी गणों ने देखे हैं। राधे राधे महाराज। सन 1980 में एक हरदेवी और राधेश्याम धर्मपत्नी थे दोनों, तो राधेश्याम जी का शरीर पूरा हो गया था तो उसके बाद में सती होने के लिए तैयारी और शमशान में आके बैठ गई थी माता जी यहाँ बैठ के ही आके, तो एक 13-14 साल की गोरा नाम की लड़की थी, घर से चली जब तो उसको 35 रुपया गुड़ की भीली और अपने नाप की सैंटी उसको कन्यादान में दे दिया था और आकर के इस भस्मी पर बैठ जाती है। सब गांव वाले ने पता पड़ता है कि राधेश्याम का शरीर पूरा हो गया, तो उसी समय पर सबरे गांव खुशा चले आवे चेता चना दे, बहुत बड़ी काफ़ी हौसो लेके बैठ गई। तो उस समय पर एक मतलब वो था चौकीदार ने थाने में जाके इतला कर दीजिए जैसे सती होना चाह रही है गांव में। तो उसी प्रकार से थानेदार आयो और थानेदार आकर के बोला कौन गीता में रामायण में खूब बात करी ना मानी, तो हेमा सक्सेना SDM थी, गिरिराज कलेक्टर थे, मैणा राजस्थान के कलेक्टर साहब थे, तो उन्होंने आकर के फिर उनके परकम्मा दो तो मैं सती करा दें। परकम्मा के बहाने से उसको उतार लिया और परकम्मा के बहाने से उतार करके 3 परकम्मा कर पाई। जटिन महिला पुलिस ने पकड़ ली उसको और पुलिस ने पकड़ ली तो उसी समय पर गाड़ी में रखने लगे उसको, तो बोली मैं इसमें अग्नि नहीं लगाना, जलेगा नहीं मेरे बिना। तो उसमें जब गाड़ी में रख ली तो 11 इंजेक्शन बेहोशी के लगा लिए, मेरा हॉस्पिटल में जब जला ले जाए मथुरा तब बेहोश ना भाई, इतना अग्नि लगा दी
था, उसके गोदी में रखा था, सबके बाढ़ तक नहीं जले थे, स्वरूप नहीं बिगड़े थे, बाढ़ नहीं जले थे। दूसरे दिन खबर करी, खबर करने के बाद फिर उसको मतलब गंगा जी ले जाने की आज्ञा मिली, तो गंगा जी में ले जाओ, ले तो मैया, तो गंगा में मतलब तीन दफे डाल दिया जा करके, गंगा मैया ने नहीं लिया उसको, बाहर निकल जाए सूखे में, तो सूखे में बाहर निकल जाए तो बात समय पर रात को फिर हॉस्पिटल आ जाते हैं कुछ लोग, फिर कलेक्टर साहब से कहते हैं कि मन की मतलब जला नहीं है, बया नहीं है, क्या होगा कैसे, उन्हें ऐसा करो बच्चन के पास ले जाओ इसको, रात को बच्चन के पास रखिए, सुबह तीसरे चौथे दिन आ करके फिर शिव मंदिर में बैठ गई लड़के, तो 7 घंटा बैठी रही वहाँ, 6-7 घंटा प्रभा के बाद में जब भोलेनाथ स्वयं आए, फिर उन्होंने कही उन्हें कैसे इतनी भीड़ लग रही है, मैं सती होना चाहता हूँ महाराज जी, तुमको कहानी बताई, इतनी कहानी उनको बताई, तो मन गई आज्ञा लेके आओ और हमो दर्शन कर लें, मन सब दुनिया कर रही है तुमको कर लो, मन बना के आगे दर्शन नहीं करते, ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया था, उनको भी डर लग रहा था, तो मन गई आज्ञा लेके आए, आज्ञा ले करके 10-5 मिनट फिर सत्संग हुआ उनका, और सत्संग होने के बाद उन्हें सफ़ेद वस्त्र लाओ, गंगा जल लाओ, तो गंगा जल सफ़ेद वस्त्र दे दिए उनके लिए, उसी समय पे मतलब माता जी ने वस्त्र बल दिए अंदर, महाराज जी बाढ़ थे और वे मतलब बाढ़ से लापता हो गए, फिर माता जी आकर के इस बस में बैठ जाती है, 6-7 घंटे यहाँ बैठी रहती है, और यहाँ बैठने के बाद 6-7 घंटे के बाद फिर इसकी 21 परिक्रमा करती है, हर परिक्रमा पर दंडवती करती है, और दंडवती करके हर परिक्रमा पर पति का फोटो धो करके आचमणि लेती है, और नाभि से अग्नि आती है, सूखी सूखी ही जलने लग जाती है, सूखी जलने लग जाती है, तो अग्नि प्रकट हो गई, तो जनता जयकारी जयकारी बोले, ऊपर से केसर बरस रही है, झालर शंख बज रहे हैं, पर उसके बाद में मतलब कोई सामग्री लाओ सामग्री लाओ, तो गांव से सामग्री आने लगती है, पर सामग्री छूटती है उस पर, तो 2 घंटे के बाद फिर वो आसन लेती है, एक पैर रह जाता है थोड़ा सा बाहर, बड़े बूढ़े बोलते हैं इसमें घी को मल्ला लगा दो, कच्चा रह जाएगा, या इधर डंडा से सरका दो, देखते देखते वो अंदर ले लिया था, किसी को छूने नहीं दिया, इस प्रकार से ये सती हुई थी, हमारे सामने आंखों देखा हाल है हमारा, बोलो सती मैया की।